यो आकाशवाणी जम्मू जावेद चौधरी ता मोहम्मद मीन जुमते खबर सुनो। मरकजी काबीना ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ना मंजूरी दी है ताकि कोविड ते बाहर आने वाला मरहला के दौरान रोजगार ना बाधित हो जा सके। वादी कश्मीर का पुलवामा जिला में हिफाजती दस्ता नाल हुआ एक टाकरा में त्रै दहशतगर्द हलाक हो गया है। रियासती चुनाव कमीशन ने कहा है जे मिसाली जाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा और किश्तवाड़ ने जिला में कोविड 19 टीकाकारी वास्ते इंतजाम को जायजो लियो है। खबरें की तफसील नाल पहला मोहम्मद अमीन अंजुम। मरकजी काबीना ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी ABRY ना मंजूरी दे दी है ताकि रोजगार ना बाधो दिता जा सके, नाले कोविड के बाद रोजगार का नवा मौका पैदा किया जा सके। इस सिलसिले में काबीना ने नवा माली साल के दौरान 1584 करोड़ रुपये का खर्चा मंजूरी दी है ते इस तरह 2020 ते 2023 तक मुकम्मल स्कीम का सिलसिला में 22,810 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। काबिले जिक्र है कि इस स्कीम के तहत मरकजी सरकार 1 अक्टूबर 2020 ते 3 जून 2021 तक नवा मुलाजमान ना 2 साल वास्ते सब्सिडी भी देगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मरकजी काबीना मीटिंग के दौरान वाईफाई नेटवर्क कायम करने वास्ते तजवीज ना मंजूरी दी गई। इस सिलसिले में इन अवामी वाईफाई नेटवर्कों के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट खिदमत मुहैया कराने वास्ते कोई लाइसेंस फीस नहीं लगेगी। इस तजवीज नाल मुल्क भर में पब्लिक वाईफाई नेटवर्कों ना वाधो मिलेगा ते इस तरह लोगों की आमदन रोजगार ते बाअख्तियारी बढ़ेगी। कुल 9 रियासतों ने एक कौम एक राशन कार्ड निजाम वाली कार्रवाई मुकम्मल तौर पर अमला ली है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है जे मजकूरा निजाम एक नाजुक इसला है जिड़ी जी खासकर माइग्रेंट वर्करों वास्ते जरूरी है। काबिले जिक्र है कि यह निजाम इस गल यकीन बनावे जी खासकर माइग्रेंट वर्करों ते उनका कुंभ ना मुल्क भर में किसी भी राशन कार्ड वाली दुकान ते राशन मिल सके। वादी कश्मीर का पुलवामा जिला का टाइकन ग्राम फस्ती दस्ता ने एक टाकरा के दौरान त्रै दहशतगर्द हलाक कर दिता है। पुलिस जरिए ने आल इंडिया रेडियो ने दसी है जे दहशतगर्दों की मौजूदगी बारे मिली एक सूह की बुनियाद पर कार्रवाई करता वा हिफाजती दस्तों ने तलाशी कार्रवाई चलाई। इस सिलसिले में छपिया दहशतगर्दों ने तलाशी पार्टी पर गोली चलानी शुरू कर दी थी ते इस तरह हिफाजती दस्तों ने जवाबी कार्रवाई करता वा ये दहशतगर्द मार मकाया। टाकरा में हलाक होने वाला दहशतगर्दों को ताल्लुक अलबदर तंजीम नाल दस्सियो जा रहा है। इस तसादम में हुई गोलीबारी की वजह नाल एक आम शहरी भी जख्मी हो गयो। काबिले जिक्र है कि आखिरी रिपोर्ट आन तोड़ी तलाशी कार्रवाई जारी थी। वादी कश्मीर का बारामूला जिला में दस्तों का काफिला पर एक हथगोलो सटियो गयो जिसका नतीजा में 4-5 आम शहरी जख्मी हो गया। इस सिलसिले में IGP कश्मीर ने दस्सिया कि जख्मी अफराद की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा है कि हमलावरों को पतो लाया जा रहा है ते जल्दी ही उसना गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खबर हम आकाशवाणी जम्मू से सुन रहे हैं। मजीद खबरों नाल जावेद चौधरी। रियासती चुनाव कमिश्नर KK शर्मा ने डिप्टी कमिश्नर ना तरगीब दी है जिवें तमाम मुतलकीन की सरगर्मियों पर नजर रखें ते मिसाली जाब्ता इखलाक के सिलसिले में खिलाफ वर्जी करन अलंगे खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। SEC मौसूफ ने डिप्टी कमिश्नर ना कियो जिवें MCC का सिलसिला में खिलाफ वर्जी करन अलन नाल निबड़न की खातर मुनासिब तरीका का तैयार रखें। कमिश्नर मौसूफ ने हिदायतकर्ता कियो जे रिटर्निंग अफसरां ते फ्लाइंग दस्तां की खिदमत को इस्तेमाल करता वा MCC खिलाफ वर्जियां बारे चैकिंग करने वास्ते मौका पर छापा मारे जाए। काबिले जिक्र है जे रियासती चुनाव कमीशन ने मिसाली जाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने बारे कई शिकायत वसूल की जिड़ी जे तहरीरी तौर उनके नाल नाल समाजी जराए अबलाग व्हाट्सएप ते ट्विटर के जरिए बंद आई है। जिला तरक्या कौंसल चुनावों का पंजवा मरहला वास्ते जिला चुनाव हुकाम राजौरी ने अज 131 पोलिंग पार्टियां ना इनका पोलिंग स्टेशन दर रवाना किया है। इस सिलसिले में पोलिंग अमला ना चुनाव बारे मवाद गया हमरा सख्त हिफाजत बिश्कार डांगरी ते कालाकोट DDC हल्का दर टोरी गयो है। इस जिमन में जिला तरक्यात कौंसल हल्का कालाकोट में 3,304 वोटर वास्ते 67 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं जबकि जिला का डांगरी DDC हल्का में
28,262 वोटर वास्ते 64 पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाई फोडे ने जिला में कोविड-19 टीकाकारी बारे इंतजाम की खातर जायजो लेने वास्ते एक मीटिंग की सदारत की है। इस मौके पर जिन जरूरत बारे तबादला ख्याल किया गया उनमें टीकाकारों की दस्तियाबी ते जरूरत दवाइया का रख रखाव वास्ते इंतजाम बिजली सप्लाई पानी सप्लाई ते टीकाकारी मरकजा दर तवज्जा करना शामिल है। इस सिलसिले में ऑल इंडिया रेडियो नाल गल करता मां डॉक्टर डाई फोडे ने इस तरह कहो। तो सारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शन दे दी गई है कि वो लोकेशंस को, स्टोरेज पॉइंट्स को तैयार रखें। जो फेजेस है हमारी, फर्स्ट फेज में जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वैक्सीन जहाँ पे दी जाएगी, और फिर बाकी के फेजेस जैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आएगी उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने भी जिला सतह का अमली दस्ता कमेटी की एक मीटिंग की सदारत की ताकि कोविड-19 टीकाकारी बारे तरीकाकार ते तकसीम वर्तवाला ख्याल किया जा सके। इस मौके पर चीफ मेडिकल अफसर ने मीटिंग में जानकारी दी है कि जिला भर में 118 टीकाकारी मरकज बनाने की जगह की शनाख्त की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने CMO ने हिदायत की है कि वे टीकाकारी की मुतवक्का शुरुआत के मद्देनजर तिबी अमला न तैयार करें। जिला पुंछ में ट्रैफिक पुलिस ने अज ड्राइवर क्लीनर ते मुसाफरों बिशकार मास्क को इस्तेमाल करने ते कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करने वास्ते एक बेदारी मुहिम शुरू की है। यह बेदारी कैंप जिला का बख बख हिस्सा में शुरू किया गया जिनमें सुरनकोट मेंढर शामिल है। मुहिम के दौरान कसूरवारों का चलान किया गया, नाले उनकी गड्डी भी जब्त की गई। हालांकि इस प्रोग्राम को खास मकसद मुकामी लोगों ने मास्क को इस्तेमाल करने ते कोविड रहनुमा खतूत पर अमल बारे बेदार करना था। आलमी बाबा के मद्देनजर फौज का जिला रामबन आला यूनिट ने कुछ इलाकों का 350 कुंभा ना राशन तत्वी किट तकसीम किए। इन इलाका में सुंबर दिगनारी बांज बाजोन ते मलपाटी इलाका शामिल है। इन डब्बा में बुनियादी लाजमी चीज बंद की गई है जेडी जे रोजमर्रा का इस्तेमाल में आमी। इस सिलसिले में राशन आला डब्बा में दाल चावल आटो ते खानो बनान को तेल शामिल है, जबकि तिब्बी डब्बा में साबुन मास्क ते सैनिटाइजर शामिल है। काबिले जिक्र है जे फौज ने यह कार्रवाई कोरोना मुक्त अवाम प्रोग्राम के तहत अंजाम दी है ते मुकामी लोगों ने इस प्रोग्राम वास्ते फौज को शुक्रिया अदा किया है। छित्रवाल इलाका में मुकामी RR बटालियन की तरफों पाकिस्तान ते टोरी जाने वाली नशीली दवाइया का सिलसिला में एक लैक्चर को इनकार किया गया। इस मौके पर मुकामी नौजवानों ने जानकारी दी गई जे किस तरह मिलीटेंट तंजीम नशीली दवाइया को कारोबार करके अपनी सरगर्मियों वास्ते पैसों इकट्ठो कर रही है। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीन ने दस्यो जे किस तरह नौजवानों में नशीली अदवियात आम की जा रही है। इस मौके पर नशीली दवाइया का इंसानी जिस्म पर बुरा असरात बारे भी नौजवानों ने जानकारी दी गई। जिला राजौरी का कोट दड़ा ग्राम में वाक्य दरगाह संगा साहिब वर पीर निजाम शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक व एहतमाम पलक यानी 10 दिसंबर न कियो जाएगो। इस सिलसिला में ज्यारत कमेटी की तरफों तमाम अकीदतमंदा ना खुलो सादो दितो गया है। उर्स मुबारक के दौरान तलावत कलाम पाक हमदो नात खत्मात मुअज्जमात और जिक्रो अजगार की मजालस मुनक्कद वेंगी। ते अखीर में खास खास खबर एक बार फिर, मरकजी काबीना ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ना मंजूरी दी है ताकि कोविड ते बाहर आने वाला मरहला के दौरान रोजगार ना बाधो दितो जा सके। वादी कश्मीर का पुलवामा जिला में फंसे दस्ता नाल हुआ एक टाकरा में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। रियासती चुनाव कमीशन ने कहा कि मिसाली जब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी करने आला पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ते जिला तकैती कमिश्नर डोडा और किश्तवाड़ ने जिला में कोविड-19 टीकाकारी वास्ते इंतजाम को जायजा लियो। इसके नाल ही 2 जिले में खबरों को यू बुलेटिन खत्म हुआ।